बीते 3 दिन पूर्व काशीपुर तथा जसपुर में एक ही दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद काशीपुर के गांव गुलड़िया और जसपुर के ग्राम रायपुर को जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद आज से 31 मई तक दोनों ही गांव में पूरी तरह लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। दोनों ही गांव में आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। आपको बताते चले कि उधम सिंह नगर जिले के जिला अधिकारी डॉक्टर नीरज खेरवाल ने काशीपुर के ग्राम गुलड़िया और जसपुर के ग्राम रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके तहत इन दोनों स्थानों में कई तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे। काशीपुर के ग्राम गुलड़िया में कोरोना संक्रमित युवक के चयनित होने पर गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इन दोनों ही कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग तथा सुरक्षा के उपाय पुलिस द्वारा कर दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान सभी स्थानीय लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। दोनों ही स्थानों पर जिला प्रशासन का ये आदेश आगामी 31 मई तक लागू रहेगा। सीओ काशीपुर मनोज ठाकुर के मुताबिक काशीपुर सर्किल में 2 सप्ताह के लिए जिला प्रशासन द्वारा 2 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। दोनों ही कंटेनमेंट जोनों में मोबाइल वैन के जरिए राशन, फल, सब्जी आदि का वितरण घर घर जाकर किया जाएगा। केट से संबंधित दिक्कत आने पर मोबाइल एटीएम वैन के द्वारा 2 बार चक्कर लगाया जाएगा। वहीं दोनों ही गांव के ग्रामीणों को मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में एसडीएम की अनुमति के बाद ही जाने की अनुमति होगी। साथ ही गांवों में पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर गांवों में चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिस के द्वारा गांव के ही युवकों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया है जो कि गांव में निगरानी करेंगे। काशीपुर सर्कल में जो है 2 कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए गए हैं जो कि एक जसपुर में रायपुर गांव और एक काशीपुर में जो है गुरड़िया गांव है। तो इनमें ऐसी व्यवस्था रहेगी कि जो समय ये दो हफ्ते का कंटेनमेंट जोन का ऑर्डर हुआ है डीएम साहब के द्वारा, जिसमें जो है मोबाइल वैन के थ्रू जो है राशन फल सब्जी का वितरण किया जाएगा डोर टू डोर, और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में जो है उसमें उसी में ही लोगों को बाहर जाने दिया जाएगा जिसमें वो डीएम साहब की परमिशन लेंगे। और इसी के साथ अगर कैश संबंधी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो उसमें मोबाइल वैन जो है जो एटीएम की होगी वो 2 बार उसमें चक्कर मारेगी। बाकी जो पुलिस व्यवस्था रहेगी उसमें चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसका जो पैगा चौकी इंचार्ज है उसे कंटेनमेंट जोन का इंचार्ज बनाया गया है, और गाँव के ही जो है एस पी ओ जो है अंदर की तरफ से उसकी निगरानी। कितने एस पी ओ सर तैनाती की गई है इसमें? अभी लगभग 8 से 10 एस पी ओ को चिन्हित करके गाँव के चारों तरफ